गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, तभी वाणी ने कहा, भैया मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी के कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है, लो वाणी जल्दी से दवाई पी लो, देखना अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी घर की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। भैया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी की दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। भैया ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं। और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को होता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों के रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों गलतियाँ गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सके। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सके।